इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। नगर निकाय चुनाव पर अब तकरार शुरू होने लगी है। ये तकरार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने की वजह से हो रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जानबूझकर चुनाव का न कराने की साजिश का आरोप लगाया और राज्य निर्वाचन आयोग को बीजेपी का खिलौना बताया। वहीं बीजेपी ने चुनाव समय पर नहीं होने का ठीकरा कमलनाथ सरकार पर फोड़ा। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने चुनाव को उलझाने का काम किया है, हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वेट लगाया है, उससे आम जनता त्रस्त हो गई है, जनता पर इसका असर पड़ रहा है। कांग्रेस चाहती है चुनाव होना चाहिए, लेकिन इन्हें डर लग रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों से सभी चीजें महंगी हो गई और यही कारण है कि समय पर चुनाव बीजेपी के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच माहौल बना है, यदि चुनाव अभी होते हैं तो कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी। मानक अग्रवाल ने राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन काम करता है, मध्य प्रदेश सरकार जो चाहती है वही होता है, आयोग सरकार का खिलौना है जो जहां चाहे वहां डमरू बजाता है। आयोग को अपना फैसला लेना चाहिए और जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहिए। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे ही हर वक्त अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ वॉइस ऑफ एमपी पर।